मिल जाएंगे, क्या बात है यार। वेज चाउमीन मिलेगी, हाँ हाँ, सैंडविच मिलेगा, चॉकलेट कोल्ड कॉफी मिलेगी और एक चीज पिज्जा मिलेगा। चीज भी मतलब 180 रुपए में आपको ये सब चीजें मिली डेकोरेशन के साथ में, मतलब सब कुछ 180 रुपए पर पर्सन। अच्छा सब मिक्स में ये, नीचे जो है ना जो इन्होंने जो बेस तैयार किया वो पूरा पास्ता का है, और ऊपर ये जो भी है वो टॉपिंग इसकी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे यार सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम लोग बहुत जल्दी 90,000 प्लस होने वाले हैं, तो बस फटाफट सब्सक्राइब करें और हमारे जल्दी से जल्दी 90,000 करा दें। तो और जब आप घंटी दबाएंगे तो आपको वीडियो भी जल्दी फटाफट मिल जाएंगे। आज हम लोग आपको ज़बरदस्त से एक फ़ास्ट फूड का एक पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पे आपको यूनिक टाइप का फ़ास्ट फूड मिल रहा है यार। वहाँ पे आपको पास्ता पिज़्ज़ा मिल जाएगा, जंगली पोटैटो मिल जाएगा, और ऐसा करके एकदम यूनिक यूनिक ये नए नए जायके लेके आए हैं। आज हम लोग जाएंगे फूड द फूड पॉइंट जो कि अखलिया चौराहे पे लोकेटेड है। चलिए सीधा चलते हैं अखलिया सर्कल और वहाँ चल के उनका ज़बरदस्त जायका ट्राई करते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ उनका जंगली पोटैटो हम लोग ट्राई करेंगे और एक इनका पास्ता पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा सर ये दो तीन चीज़ें के अलावा भी हमारे पास 5 आइटम ऐसे हैं जो जोधपुर में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं फूड पॉइंट और वहाँ चल के बात करते हैं। ये देखिए साहब, अखलिया सर्कल हम आ गए। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा वाली बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके सामने एक पतली सी गली जाएगी, वहाँ पे ये फूड पॉइंट, और वहाँ जाके आज हम लोग ज़बरदस्त जायका ट्राई करेंगे। वैसे मैंने बहुत से यहाँ पे सैंडविच पॉइंट ट्राई किए अपने जोधपुर में यार, सब लोग एक से बढ़कर एक जायका लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इससे क्या आता है कि हमको कंटेंट भी अच्छा अच्छा मिलता रहता है यार। आपको भी अगर कोई जगह पता हो तो हमें प्लीज़ रेकमेंड करें, ताकि कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम लोग वहाँ जाके वीडियो बना सकें। देखिए तो मैंने बताया था कि आज हम लोग यहाँ फूड पॉइंट पाए हैं अखलिया सर्कल पे। देखो सामने सीध किसान बेकर है, किसान बेकर के सामने सीधी गली है जो कि आगे से ब्लॉक हुई हुई है, वहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पर मैं आया तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी जो पिज़्ज़ा है ना वो वाकई में ज़बरदस्त है, पूरे जोधपुर में आपको ऐसे पिज़्ज़ाज नहीं मिलेंगे। जायका के साथ साथ में प्राइसिंग भी काफ़ी रीज़नेबल है। आ जाए अंदर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हम लोग वैसे यहाँ पे दो तीन चीज़ें ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने कहा नहीं आप पिज़्ज़ा ट्राई करो और इनका एक रोलिंग पोटैटो है वो हम लोग ट्राई करेंगे। माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्होंने सीटिंग भी दी हुई है, आप आराम से आके यहाँ पर बैठ सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने जो टेबल्स है वो बहुत पास में इन्होंने जॉइंट की हुई, काफ़ी अच्छी स्पेस है। पीछे भी यहाँ पे एक और इन्होंने काउंटर भी यहाँ पे लगा हुआ है, काउंटर टेबल्स जो आती है जैसे कोई सिंगल आदमी है तो वो भी यहाँ बैठ के आराम से खा सकता है। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, इन्होंने जो क्लीनिनेस है ना वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा जहाँ होता है वहाँ खाना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ के जो ओनर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम, क्या नाम है साहब आपका? शाहिद मुराद। और आपका क्या नाम है साहब? आदिल वली। आदिल साहब और शाहिद साहब, पहले तो मुझे बताएं कितना वक्त हो गया साहब अपने, कितना अर्सा हो गया स्टार्ट किया? एक मंथ कंप्लीट किया हमने, 29 लास्ट मंथ को ओपनिंग की हमारी जी। अभी रिसेंटली न्यू आया है, हमने न्यू फूड निकाले हैं माशाल्लाह, और सबसे यूनिक फूड आपने लगाने फूड निकाले हैं। मैंने सुना है कि पिज़्ज़े बहुत ज़बरदस्त हैं यार यहाँ के, कौन थोड़ा बताएं पिज़्ज़ा के बारे में? हमारे यहाँ के फ्रेंच फ्राइज पिज़्ज़ा और पास्ता पिज़्ज़ा सबसे बेस्ट क्वालिटी और सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा चलना है। वो कितने का वैसा भी? एक है 210 का है, 220 का है, 250 का है, और 260 का भी है। 260 का भी है, हाँ। और एक मुझे ये भी बताएं कि मैंने सुना है आपके यहाँ पे रोलिंग पोटैटो भी वो मिलता है, वो भी काफ़ी फेमस है आपके यहाँ का जी, जी। और ये सब चीज़ें तो अपन ट्राई करेंगे भाई साहब। उसके बाद अलावा पूरा जो मेन्यू यहाँ पे आपका लगा है वो भी मैं दिखा दूँ? हाँ दिखा दो, पूरा मेन्यू दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैठते हैं और फिर चलेंगे इनके किचन में इनसे परमिशन लेके और बताते हैं ये खाना कैसे बनाते हैं। देखिए ये जैसे जो यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा सिग्नेचर जो डिशेज़ हैं वो उनके पिज़्ज़ा से देखिए, फ्रेंच फ्राइज पिज़्ज़ा आपको 69 में मिल जाएगा, पास्ता पिज़्ज़ा 79 में, लेकिन इनके जो तीन जो स्पेशल है ना, देखिए एक तो स्पेशल मिक्स वाला पिज़्ज़ा हो गया, एक ब्रेड पास्ता पिज़्ज़ा हो गया और फ्रेंच फ्राइज वाला स्पेशल पिज़्ज़ा हो गया, ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे मैंने आपको पूरा बताया था यहाँ पर पास्ताज आपको मिल जाएंगे, मोमोज आपको मिल जाएंगे, सैंडविचेज़ हैं, बर्गर्स है, और जो प्राइसिंग है ना वो भी काफ़ी रीज़नेबल है, मतलब ये ज़बरदस्त क्वालिटी आपको बहुत ही वाजिब दामों में मिल जाएगी। देखिए पूरा रोल्स आपको मिल जाएंगे मंचूरियन इनके पास में, ये देखिए रोलिंग पोटैटो जो कि 70 रुपए का है। अब रोलिंग पोटैटो क्या है वो तो जब ये बनाएंगे तभी अपने को पता चलेगा, और साथ साथ में
जो कोल्ड कॉफ़ी ना, कोल्ड कॉफ़ी आपको मात्र 40 रुपये में मिलेगी आप। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखा दिए, हम लोग यहाँ बैठते हैं और फिर सर से परमिशन लेंगे और चलेंगे किचन में कि देखेंगे किचन में ये तैयारी कैसे कर रहे हैं। शाहिद भाई का हमने ये सेक्शन तो आपको बता दिया। शाहिद भाई कह रहे हैं कि अपने पास ऊपर एक वो उन्होंने पार्टी हॉल भी बनाया हुआ, जहाँ पर किसी की बर्थडे पार्टी हो गई या छोटी मोटी कोई भी पार्टी हो यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने पैक आ जाएंगे? आराम से 50-60 लोग 50-60 आ जाएंगे। देखें ओपन, वो भी देखें। चलिए ऊपर चलते हैं और आपको जो पार्टी हॉल है वो भी हम लोग दिखा देते हैं। आ जाए ये देखिए, ये इनका पार्टी हॉल भी इन्होंने बनाया हुआ। शायद भाई पार्टी ऐसे किसी को ऑर्गेनाइज करनी है तो उसका क्या कोई पैकेज है कैसे? डेकोरेट करके भी हम देते हैं। जी जी, उसमें अगर बर्थडे सेलिब्रेशन है तो उसका केक भी हम देते हैं। अच्छा, केक भी आप देते हैं उनको, कॉम्बोज भी हम अच्छे अच्छे। अच्छा, कॉम्बोज भी उनके पास में। एक अपने एवरेज पर पर्सन के हिसाब से कितना हो जाए? कॉम्बो है हाँ, उसमें क्या है 4 आइटम होते हैं, 4 मतलब 180 में 4 आइटम अपने को मिल जाएंगे। क्या बात है यार, वेज चाउमीन मिलेगी, हाँ हाँ, सैंडविच मिलेगा, चॉकलेट कोल्ड कॉफी मिलेगी और एक चीज पिज्जा मिलेगा। चीज भी मतलब 180 रुपए में आपको ये सब चीजें मिली डेकोरेशन के साथ में, मतलब सब कुछ 180 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। मतलब 180 रुपए में यार वाजिब प्राइस पे ये लोग आपको दे रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? अगर आपको बर्थडे पार्टीज है या छोटी मोटी कोई भी पार्टीज है, 50-60 लोग तो आराम से आ सकते हैं, तो आप ये सब चीजें अगर आपको फायदा उठा रहे हैं तो आपको फूड पॉइंट पाना पड़ेगा और भाई साहब से मुलाकात करनी पड़ेगी। सर पूरा बता दिया, अब चले किचन में और देखते हैं आप पिज्जा कैसे बनाते हैं। ये पास्ता पिज्जा आ रहा है। देखिए जैसे जो आदिल भाई हैं जो यहाँ के ओनर भी हैं तो वो खुद अपने हाथों से तैयारी करें, तो आप यकीन माने कि क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन की हुई होगी। देखो ग्लव्स व्लव्स पूरा इन्होंने हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। देखो आप किचन की बात करोगे तो नीट एंड क्लीन इनका किचन है। देखिए आदिल भाई क्या लगाना है अपन? ये अभी छोटा है, पास्ता पिज्जा है ये, पास्ता पिज्ज़ा है। ये देखिए क्या बात है यार, छोटे में और खाने में बड़ा लजीज है वो। तो अब आपने हाथों से लगा रहे हो यार, तो फिर जाएगा तो वैसे ही आने वाला है। और अल्द मैं हम माशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत ज़बरदस्त ही बनाएंगे। ये क्या आदिल भी अपना? ये मसाला है पनीर का, सब मिक्स। अच्छा, सब मिक्स में है ये। हाँ। नीचे जो है ना, जो इन्होंने जो बेस तैयार किया वो पूरा पास्ता का है और ऊपर ये जो भी है वो टॉपिंग इसकी इसमें दे रहे थे। प्याज चले गए, कैप्सिकम चले गए, पनीर सब मिक्स है आपने इसमें सॉस में, सब इसको मैरिनेशन किया हुआ ना। ये देखिए देखिए इसमें चीज़ चलेगी, ये प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहे हैं भाई साहब। क्या बात है यार माशाल्लाह, ये चीज़ तो मैंने अभी तक कहीं नहीं खाई भाई साहब। जब भी तो आप अपने यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर द फूड पॉइंट पे मिलेगा, द फूड पॉइंट पे मिलेगा साहब ये जायका आपको। अब इसको अपन बेक करेंगे। ये देखिए अब ये जाएगा ओवन में और हम लोग ये हमारा पास्ता को बेक करेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त यार। अब आदिल साहब अपन क्या लगाएंगे? अब लगाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज पिज्ज़ा। फ्रेंच फ्राइज पिज्ज़ा लगाएंगे। चलिए जब तक ये तैयार होता है हम लोग फ्रेंच फ्राइज पिज्ज़ा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इनका जो ऑयल है ना वो देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गंदा है ऑयल, एकदम साफ़ सुथरा ऑयल ये लोग यूज़ कर रहे हैं। शायद भी अपने टाइमिंग क्या रहते हैं सर? टाइमिंग सुबह 11 से लेके मॉर्निंग में सुबह 5 बजे तक है। सुबह 11 से लेके मॉर्निंग सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे तक। अरे मतलब सुबह अगर किसी को खाना चाहिए, मतलब 2-3 बजे चाहिए तो गर्मा गर्म खाना आप यहाँ पे सर्व कर देंगे। होम डिलीवरी भी है। हाँ, होम डिलीवरी भी करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, कोई भी रखरखाव कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को 2-3 बजे खाना चाहिए गर्मा गर्म ये सब चीजें तो 2 बजे भी आपको मिल जाएगी, सुबह 5 बजे तक मिल जाएगी। और जोमेटो स्विगी पे नहीं आप उस पर भी यही नाम से ये निकाल दो ना। चलिए साहब ये हमारा पास्ता पिज्जा रेडी हो गया। देखिए पूरी जो चीज़ है वो मेल्ट हो गई माशाल्लाह। क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त ये जायका। मैंने अभी जोधपुर में तो कहीं भी ट्राई नहीं किया है। पास्ता के ऊपर सारी टॉपिंग चलेगी और ऊपर से इन्होंने चीज़ से इसकी गार्निशिंग करनी। पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं ना। ये अपन क्या लगा रहे हैं यार? तो टोटली जो बेस है वो एकदम डिफरेंट है, पिज़्ज़ा और पास्ता मिक्स में। ये मिक्स वाला जो अपना हाँ, पिज़्ज़ा है वो हाँ, जो आपने कहा था अपना बहुत ज़्यादा सिग्नेचर है। जी जी, क्या बात है यार माशाल्लाह। ये सॉस पास्ता सॉस पिज़्ज़ा सॉस शेजवान सॉस भी चलेगी ना इसमें? दोनों मिक्स, दोनों मिक्स है, मिक्स करेंगे अपन इसमें ना। पूरा जो अपने सॉस का जो मिक्सचर है ना वो पूरा जो पिज़्ज़ा का जो बेस है उस पर हम लोग स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो फ्लेवर्स है ना आपको हर एक बाइट में बराबर वो मिल सके। ये देखिए ये हमने पूरा स्प्रेड कर दिया। तो
आदिल भी आपने क्या कुकिंग का कोर्स किया हुआ या ऐसे ही आप मतलब शौकियाना तौर पे बनाते हैं आप? शौकियाना तौर पे बनाते हैं ज़्यादातर तो, बट एक डेढ़ महीने से मैं अपने भाई है शुभम भाई जी जी इनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, आप उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये देखिए सारे मसाले चले गए इसमें पास्ता में। अब ये पास्ता का जो उन्होंने जो मिक्सचर जो तैयार किया ना वो जाएगा इस पर। क्या बात है यार, मेरे मुँह में अभी से पानी आने लग गया है। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। ये देखिए पिज़्ज़ा का बेस हो गया, टॉपिंग पास्ता की हुई, फ्रेंच फ्राइज आएगी। क्या बात है यार, मतलब सारे फास्ट फूड का जायका आपको एक ही डिश में मिल जाएगा। और ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी है तो आपको फूड पॉइंट पाना पड़ेगा जो कि अखलिया सर्कल पे लोकेटेड है। ये फ्रेंच फ्राइज चले गए देखिए। ओए होए होए होए, माहौल सेट कर दिया भाई साहब ने तो ज़ोरदार, माशाल्लाह। ये देखिए ये तो हमने जो टॉपिंग है वो दे दी इससे। अब ये जो मसाला है इनका जो पनीर वाला वो भी इसमें जाएगा। मतलब ये चीज़ आपको कितने रुपए की भाई साहब? ये 250 रुपये। 250 रुपये में आपको पूरा गज कर दिया, फुली लोडेड यार। अभी तक तो और आइटम इसमें जाएंगे जाएंगे, उससे पहले ये फुली लोडेड बन चुका है। देखिए क्या बात है यार। चलिए सब आप जाएंगे इसमें ब्लैक ऑलिव्स। ये देखिए क्योंकि जो पिज़्ज़ा होता है वो बिना ऑलिव ब्लैक ऑलिव्स के तो अधूरा है। ग्रीन भी जाएंगे इसमें? ग्रीन। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, लाजवाब। ये चीज़ मैंने अभी तक जोधपुर में तो साहिल पे कहीं भी ट्राई नहीं की है। आदिल साहब पहली बार ही मैं ट्राई करूँगा यहाँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरह के ता फरमाएँ और आप ऐसी ऐसी यूनिक यूनिक डिशेज़ हमारे लिए बनाते रहें। अच्छा अच्छा, अब हम लोग इसमें डालेंगे प्रोसेस चीज़। अरे यार, मतलब ये प्राइस में आपको इतना सारा आइटम मिल रहे हैं यार, वो भी फुली लोडेड। देखिए तो यहाँ पे आप जब भी आए ना तो ये साहिल भाई और अदिल साहब से मुलाकात करें, वो आपको पूरी प्राइसिंग ही बताएंगे। और भी इनके पास वैरायटी बहुत सारी है, मेन्यू छोड़ के आपको इन्हीं से रेफरेंस लेके ऑर्डर करना है यहाँ पे। ये देखिए साहब, आप इसको अपन बेक करेंगे भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब आप इसको बेक करते हैं। ये अदिल साहब क्या अपना चाट मसाला है? चलिए सब थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आया। हाँ वो तो अपने जोधपुर वालों को थोड़ा बहुत चटपटा चाहिए चाहिए, नहीं जब तक ये नहीं जाए मज़ा नहीं आवे। चलिए साहब इसको बेक करते हैं ना। चलिए साहब ये हमारा मिक्स वाला जो उनका है पिज़्ज़ा चला गया। चलिए साहब इसको वेट करते हैं जब तक हम लोग हमारी जंगली पराठों की तैयारी कर लेते हैं। कितना टाइम लगेगा इसको आदिल भाई बेक होने में? 5 मिनट। 4 से 5 मिनट। ये देखिए अब हम लोग इसमें तेल गर्म हो गया और जो वेजीज है उसको हम लोग तेल में थोड़ा सॉर्टेड आउट कर देते हैं। ये देखिए चलिए साहब अब इसमें जो भी चाइनीज़ की जो भी सॉसेज होती है वो हम लोग इसमें डाल के एक ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए सारी सॉसेज जो चाइनीज़ की होती है वो चली गई है, वो रेडी हो चुकी है। और इसको क्या कॉर्नफ्लोर डाल के तो हमने थोड़ा थिक कर दिया ताकि जब हम लोग इसमें जो फ्रेंच फ्राइज हम लोग जब इसमें डालेंगे ना तो वो पूरी इसमें जो सॉस है ना वो रैप हो जाएगी इसमें पूरी। ये देखिए पूरी रैप हो गई। इसको ज़्यादा पतला करता है तो ये मज़ा नहीं आता, लेकिन देखो अभी पूरी फ्रेंच फ्राइज में चली गई, पूरी सॉस रैप हो गई है। तो ये कॉर्नफ्लावर से फ़र्क पड़ता है इसमें। ये अमूल क्रीम चला गया इसमें। शैली साहब ये हमारा जंगली पटाटो भी रेडी है। ये हमारा मिक्स वाला जो स्पेशल जो यूनिक पिज़्ज़ा है वो भी रेडी है। देखिए पूरी चीज़ मेल्ट हो गई है और चीज़ ज़बरदस्त वाली क्वालिटी इन्होंने यूज़ की। देखो जो चीज़ मेल्ट होने के बाद क्या है कितनी स्मूथ वो लग रही है। ऊपर से चले गए चिली फ्लेक्स, ज़बरदस्त साहब। चलिए साहब चलते हैं बाहर और इनका जायका ट्राई करते हैं। चिली फ्लेक्स और ओरेगानो भी चला गया। ज़बरदस्त तीन सिग्नेचर आइटम्स हमारे सामने। ये पास्ता पिज़्ज़ा हो गया, ये इनका जो मिक्स वाला जो पिज़्ज़ा है वो जिसमें पोटैटो और पास्ता दोनों आए हैं, और ये इनका जंगली पोटैटो जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और साथ साथ में मैं आपको एक और बता दूँ, 180 रुपये का यहाँ पे आपको पैकेज मिल रहा है जिसमें डेकोरेशन है, चार स्टार्टर्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी पार्टी हो, कोई भी छोटा फंक्शन हो, 50-60 लोगों के लिए ऊपर आप यहाँ आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये लोग। चलिए साहब अब जायका की तरफ आते हैं, हम लोग इनका ये पास्ता वाला पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं सबसे पहले। लाजवाब है यार,
माशाल्लाह एक नंबर। ये सब चीज़ें मैंने अभी जोधपुर में कहीं भी ट्राई नहीं किए। पास्ता ही आप देखो, मैं दिखाता हूँ पूरा पास्ता इन्होंने स्टिक में सिया, और उसके बाद फिर इन्होंने ऊपर जो पनीर की जो इनकी सॉस में जो तैयार किया मसाला, वो साथ साथ में चीज़ और चिली फ्लेक्स, इसका जायका एक नंबर हो गया। सबसे बड़ी बात जो पास्ता है ना वो परफेक्टली इन्होंने बॉईल किया। अगर परफेक्टली बॉईल नहीं होता है तो ये जो इन्होंने स्टिक यूज़ किए उसमें ये जाता भी नहीं। चलिए साहब ये मैं एक बाइट और लेता हूँ। मज़ा आ गया लाजवाब। सबसे बड़ी बात जो प्राइसिंग है ना वो भी काफ़ी रीजनेबल है। तो ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है, जो कि मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन है कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर चीज़ें ट्राई करना कि ज़रूर यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी, तो आपको फूड पॉइंट पाना पड़ेगा जो कि अखलिया सर्कल पर लोकेटेड है। अखलिया पे किसान बेकर्स है, उसके सामने गली जा रही जो आगे से बंद है, बस वहाँ पर ये फूड पॉइंट। चलिए अब इनका ये दूसरा वाला भी जायका हम लोग ट्राई करते हैं। ये इनका मिक्स वाला जो पिज़्ज़ा है वो मैं आपको ट्राई करके बताऊँ। देखो चीज़ पूरी मेल्ट हो रही है और साथ साथ में देखो परफेक्टली बेक हुआ है। देखो मजमा को बोलूँगा, देखिए जो ब्रेड है ना वो परफेक्टली बेक हो गई, जली बिल्कुल भी नहीं है। चलिए साहब इसको ट्राई करते हैं। मतलब एक ही डिश में आपको पिज़्ज़ा भी मिल रहा है, पास्ता भी मिल रहा है और फ्रेंच फ्राइज भी मिल रही है। इसकी जायके की बात करेंगे तो इन्होंने जो स्प्रेड जो तैयार किया ना उसमें शेज़वान सॉस मिक्स करने से इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो गया, थोड़ा स्पाइसी हो गया। और साथ साथ में इन्होंने जो चाट मसाला यूज़ किया ना उससे इसको चार चांद लग गए यार, माशाल्लाह लाजवाब। ये दूसरा वाला भी हमारा आइटम एक नंबर है। दोनों टाइप के पिज़्ज़ा तो गए, अब इनके जंगली पोटैटो की बात है। पूरा सॉस में इन्होंने तैयार किया माशाल्लाह, और ऊपर जो है ना इन्होंने चीज़ से इसकी गार्निशिंग की है। चलिए साहब इनका पोटैटो भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया था जो सॉस इन्होंने तैयार की ना वो पूरा पोटैटो पर रैप हो गई। कभी कभी क्या पतली पत्ती सॉस होती है तो वो रैप नहीं करती, कहीं कि पार्ट छूट जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। इन्होंने कॉर्नफ्लोर डाल के सुगाड़ी करके सॉस ज़बरदस्त तैयार किया। मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी एक बात क्या है, आपको सुबह 6 बजे तक ये खाना मिलेगा यार। ये जो भी मैंने जायके ट्राई किए ना ये सब आपको सुबह 6 बजे तक ये आपको आपके घर पे बैठे बैठे होम डिलीवरी करेंगे। इनकी जो नंबर है डिलीवरी की वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट फ़ोन लगा के ये सब चीज़ें अपने घर पर भी मंगा सकते हैं रात को 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक। चलिए साहब ये मैंने खा लिया। अब यहाँ के जो ओनर हैं वो साहिल भाई, उन्होंने कहा कि आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी भी मैं लेके आ रहा हूँ जो कि मात्र 40 रुपये की। यार 40 रुपये में कोल्ड कॉफ़ी भी कहीं नहीं मिल रही है, तो कोल्ड कॉफ़ी का भी जायका हम लोग ट्राई कर लेते हैं। किए थे अब ये लोग और एक और चीज़ लेके आ गए मेरे लिए, फ्रेंच फ्राइज पिज़्ज़ा। इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये विदाउट ब्रेड वाला है। अगर ब्रेड वाला भी चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ब्रेड पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इनको सिंपल सा इन्होंने जो टॉपिंग दी ना, फ्रेंच फ्राइज इनका बेस है, ऊपर से इन्होंने जो पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग दी है उससे इसका नाम पड़ गया फ्रेंच फ्राइज पिज़्ज़ा। और आप यकीन मानो बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन है यार। चलिए इसको मैं ट्राई करता हूँ, कहाँ से ट्राई करूँ यार। मतलब आप यहाँ फूड पॉइंट पाएंगे तो जो भी जायके हैं इनके टोटली डिफरेंट है। ये सब चीज़ें मैंने अभी तक जोधपुर में ट्राई नहीं किए, ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना है। अब इसकी बात करेंगे तो आप इसमें इन्होंने ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की टॉपिंग दी है, साथ साथ में इन्होंने पनीर से भी इसकी गार्निशिंग की, और साथ साथ में चिली फ्लेक्स से इसमें जो तेज़ी आई ना इससे इसका जायका ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, चार चांद लग गया यार। तो चलिए ये भी हम लोग एक बाइट और लेते हैं। ये कितने का भाई साहब? ये 49। ये चीज़ आपको 49 में मिल जाएगी, मात्र 49 रुपीज़ में। इतने सारे फ्रेंच फ्राइज यार, और हमने यहाँ पे चार चीज़ तो ट्राई कर ली है, दो तीन तो इनके पिज़्ज़ा हो गए और एक इनका जंगली पोटैटो, और उसके साथ साथ में मात्र 40 रुपये में आपको कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी। देखो क्वालिटी चेक करो यार। चलिए साहब ये भी हम लोग ट्राई करते हैं। ज़ोरदार यार, मैं तो सोचता हूँ ये आदिल भाई और साहिल भाई इतनी कम प्राइस में इतना ज़बरदस्त खाना कैसे सर्व कर सकते यार।
कॉफ़ी की बात करेंगे। कॉफ़ी की बात ये होती है कि जब अपन कॉफ़ी जब तक स्मूथ नहीं होती है तो मज़ा नहीं आता, बस आप सिप लो और बस इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि नीचे ये चले जाओ, उसके फ्लेवर जो आपके मुंह में आए ना बहुत देर तक ये फ्लेवर आपके मुंह में रहने चाहिए तो कॉफ़ी है ज़बरदस्त, वरना फिर है नहीं। लेकिन यहाँ की बात करेंगे, 40 रुपये में इन्होंने जादू कर दिया माशाल्लाह। चलिए साहब ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हमारा ये वीडियो ख़त्म करेंगे। पूरी लोकेशन मैंने आपको बता दी, इनके नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आराम से अगर लोकेशन नहीं मिले तो उनसे कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पूरा मैंने आपको यार हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैंने शेयर किया माशाल्लाह, मैं 200% गच हो गया यार, गच का मतलब फुली सेटिस्फाइड। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि जो टाइमिंग है ना वो भी लाजवाब है, अगर आपको ज़बरदस्त खाना रात को 2-3 बजे भी खाना है तो ये भाई साहब यहाँ पे आपके घर तक डिलीवर करेंगे। आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त खाना अगर आपको रात को 2 बजे मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए, वो भी गर्मा गर्म। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ मिलेगी एक ही जगह पूरे जोधपुर में, जो कि फूड पॉइंट के नाम से ज़बरदस्त इन्होंने एक आउटलेट स्टार्ट किया। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा ये वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।